आज मैं आपके साथ मजेदार सा झटपट में बन जाने वाला चटपटा सा पास्ता बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी, बिना क्रीम, बिना चीज, बिना ओवन के। आज मैं आपके साथ मजेदार सा चीजी पास्ता बना के अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को जो है ना एंड तक लाजमी से देखना, और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी जरूर से दीजिएगा। तो चले फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पास्ता बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी को अच्छा सा बॉईल कर लेना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेना है और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके अच्छा सा मिक्स करके ना यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 200 ग्राम्स के करीब पास्ता ऐड कर देना है। अच्छा, पास्ता को बॉईल करने के लिए एक मेथड ये ज़रूर से याद रखा करें कि सबसे पहले पानी को बॉईल कर लिया करें, इसके बाद नमक और तेल ऐड करके ना अच्छा सा पकने दिया करें। इसके बाद जब हम पास्ता ऐड करते हैं ना तो पास्ता मिनटों में जल्दी से जो है ना गल जाता है। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम से करीब यहाँ पर पास्ता ऐड करके ना तकरीबन भी ना 5 से 7 मिनट तक कुक करना है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ना हमारा पास्ता कुक हो जाएगा। ढक्कन बंद करके रखें या खोल कर रखें, दोनों ही सूरत में अच्छा सा आपका पास्ता गल जाएगा यानी कि कुक हो जाएगा। अच्छा, पास्ता को ना आप 90% तक अच्छा सा गलाया करें, कुक किया करें। जो 10% है ना वो जब हम चीज़ में ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करते हैं ना तो ये तब अच्छे से कुक हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम फुल कुक कर लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ्लफी सा हो जाता है, नरम हो जाता है और ये टूटने लग जाता है। तो देख सकते हैं आप इस फॉर्म में आपका जो है ना पास्ता होना चाहिए। देख सकते हैं मैं इस तरह से कट कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत जो है ना कसर रह गई है, इतनी कसर हमने रह देनी है। उसके बाद तमाम पानी डिस्कार्ड करके ठंडे पानी से गुजारने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा के हमने साइड पे छोड़ देना है पास्ता को। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून बटर ले लेना है। अच्छा, बटर आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आप सॉल्टेड बटर लेंगे तो आपने नमक को कम रखना है, तो मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो इसलिए मैं कम जो है ना नमक ऐड नहीं करूँगी, लेवल का ही नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जो है ना पास्ता में भी नमक ऐड कर दिया तो इसलिए मैं जो है ना चीज़ वगैरह में और तमाम इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा थोड़ा कम ही नमक ऐड करूँगी। बटर को अच्छे से मेल्ट करेंगे, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। अच्छा, मैदे को जो है ना हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से इसका कच्चापन दूर करेंगे, इतना कच्चापन दूर करेंगे कि तमाम इसकी ड्राइनेस खत्म होकर इस तरह से ये अच्छे से स्टफ हो जाएगा, अच्छे से तमाम जो है ना एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जब मैदा अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन जो है ना 100 ml यानी कि 1 कप बराबर यहाँ पर हमने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है। इतना ऐड करेंगे कि ये अच्छी सी चीज़ बनकर रेडी हो जाएगी। बिना चीज़ ऐड किए, क्योंकि हमने चीज़ बना कर रेडी करनी है, क्रीम बना के रेडी करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर तकरीबन भी 1 कप भर के दूध का इस्तेमाल करेंगे और लम्स ना बने इसलिए हमने मैदे को पहले से अच्छे से मेल्ट कर लिया। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ना दूध ऐड करेंगे तो लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। लम्स को बिल्कुल भी ना बनाने के लिए यानी कि बिल्कुल लम्स फ्री बैटर रखने के लिए ना हमने किसी भी स्पैचुला या इस तरह मिक्सर से नहीं, से अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से जो है ना ये विक्स से हम करते हैं ना तो फिर ये इस तरह से लम्स नहीं बनते। तो आप भी ज़रूर से यही प्रोसेस कर लिया करें, जल्दी से भी आपकी चीज़ बिना चीज़ के बन के रेडी हो जाती है और मज़ेदार सी भी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर हमारा तमाम बटर अच्छे से जो है ना मिक्स हो चुका हुआ है, तमाम जो हमारा मैदा है ना अच्छे से डिजॉल्व हो चुका है मैदे के अंदर। तो यहाँ पर हमने कुछ जो है ना ड्राई मसाले ऐड करने जिससे हमारी चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। तो हमारा यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका हुआ है, अच्छे से लम्स फ्री हो चुका हुआ है। अब हम इसे स्टेज के ऊपर यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून यहाँ पर हमने जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है, यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून ओरिगानो ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जो है ना हमने इससे इस बटर को इतना रखना है कि जब हम पास्ता वगैरह ऐड करें ना तो ये बिल्कुल भी जो है ना जम ना जाए और इकट्ठा ना हो जाए। तो हमने इतनी रनी कंसिस्टेंसी में इस पेस्ट को यानी कि चीज़ को रेडी करना है कि हमारा जो ये पेस्ट बन के रेडी हो ना वो इतना थिक हो कि ना ही ज़्यादा लिक्विड हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। तो इसे हमने पकने के लिए एक साइड पे छोड़ देना और अब हम मेन और अगला प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी चीज़ जब तक रेडी हो रही है या कह लें आपके क्रीम रेडी हो रही है पास्ता में ऐड होने के लिए, तो यहाँ पर हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून तेल लिया, तेल को गर्म किया, 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ ऐड करके लहसुन को भी अच्छे से फ्राई किया। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम यहाँ पर क्यूब्स में कटिंग की हुई चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स के करीब ली है, तो आप चाहें तो थाई या
चाहे इसका भी पीस लेकर जो है ना अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ही यहाँ पर जो है ना चिकन की कटिंग करके ऐड कर दी है। चिकन जब कलर चेंज कर लेगी इस स्टेज पे आके यहाँ पर हाफ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्ची भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना पाउडर लाल मिर्च ऐड की है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून जो है ना नमक शामिल किया है, 1/2 टी स्पून यहाँ पर हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1/2 टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टी स्पून भुना कुटा जीरा ऐड करके यहाँ पर हमने जो है ना टिक्का मसाला पाउडर बना के रेडी किया। अगर आपके पास टिक्का मसाला साशे हो किसी भी ब्रांड का, आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो है ना ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये आपका टिक्का फ्लेवर में मज़ेदार सी बोटियाँ या चिकन केले बन के रेडी हो जाएगी। तो इतना फ्राई करेंगे तमाम चिकन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसे स्टेज के ऊपर आके इसी चिकन के अंदर यहाँ पर हमने प्याज और यहाँ पर हमने शिमला मिर्च कटिंग की हुई ऐड कर देनी है और सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट तक लाइट सा सॉटे करना है। ज्यादा सब्जियों को नरम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना नरम करेंगे कि क्रंच है ना वो खत्म ना हो, तो हल्की सी क्रंचनेस बाकी रहने देंगे। उसके बाद इसे हम लाइट सा नरम कर लेंगे। तो तकरीबन ये सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सब्जियां जो है ना हमारी नरम हो जाएंगी। तो हमारी सब्जियां बिल्कुल जो है ना रेडी हो चुकी हुई हैं, यानी कि एक मज़ेदार सा हमारा जो है ना चिकन का बैटर कह लें या चिकन की जो है ना स्टफिंग कह लें बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसे जो है ना साइड पर रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना अभी हमने बगैर चीज़ की क्रीम चीज़ बना के रेडी किया ना उसे हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ना बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ है। ऑलरेडी हमारे जो है ना ये रेडी था, 2 से 3 मिनट तक इसे हमने थिक होने के लिए छोड़ा था। तो देख सकते हैं आप थिकनेस कितनी अच्छी सी जो है ना हमारी बैटर के अंदर आ चुकी हुई है। तो हमारी चीज़ बन के रेडी हो चुकी हुई है बिना चीज़ की। देख सकते हैं आप कितना चीज़ी सा हमारा जो है ना ये बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर यहाँ पर तमाम चिकन और सब्जियाँ ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसके अंदर जो हमने पास्ता बॉयल करके रेडी किया था ना वो भी इसके अंदर हम साथ में ही ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे ना तो इसके अंदर जो है ना थिकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसे जो है ना ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रहने देंगे और ना ही ज़्यादा थिक करेंगे, क्योंकि ये रहने के बाद यानी कि जब इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद ये थोड़ा बहुत रखने के बाद थिक हो जाती है। तो इसलिए हमने जो है ना इस स्टेज पर रख के इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। जब ये बिल्कुल इस स्टेज पर आ जाएगी और अच्छे से जो है ना कुक हो जाएगी और सिर्फ इसी स्टेज पर रहेगी, देख सकते हैं आपके हल्की सी इसके अंदर जो है ना थिकनेस है और हल्की सी ये लिक्विड इसी है। इसी स्टेज पे आके हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सी हमारी जो है ना चटपटी सी और बहुत ही ज़्यादा झटपट में बन जाने वाली अमेजिंग सी पास्ता रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप जरूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।